नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़ और मैं हूं शकील अहमद। इस वक्त हम मीरा रोड के कम्युनिटी हॉल में मौजूद है। यहां पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा नया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक दावत इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया। मैं आपको बता दूँ, पुलिस द्वारा ये पिछले साल भी इसी तरह से एक दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था। ठीक उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी नया नगर पुलिस की तरफ से जो इनकी मोहल्ला और शांतता कमेटी है उनको मिलाकर यहाँ पर एक दावत इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया। इस दावत इफ्तार में सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर देखा गया। मैं आपको बता दूं कि डाइस पर जो थे वो यहाँ के जामा मस्जिद शम्स मस्जिद के इमाम साहब मौजूद थे, हमारे एक सिख भाई मौजूद थे, एक पंडित जी यहाँ पर मौजूद थे और एक बहुत अच्छा पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक संदेश दिया गया है कि एकता से बढ़कर यहाँ पर कुछ नहीं है। इसलिए हम पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि मोहब्बत के इस शहर को ऐसे ही चलने दें, इसे नफरतों का बाजार ना बनाएं। हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले नया नगर पुलिस स्टेशन के तरफ से हर साल रोजा इस तरीके का प्रोग्राम हम करते हैं ताकि एक दूसरे से कन्वर्सेशन हो, कुछ अच्छा मैसेज जाए, इसलिए प्रोग्राम हर साल किया जाता है। इस साल थोड़ा इससे कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से थोड़ा सा हमें प्रोग्राम कंटेन करना पड़ा, थोड़ा कंटेन करके आज इस साल प्रोग्राम किया गया है। इस निमित्त से सब लोग जो मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, हमारे सिख भाई है, सब लोग यहाँ आते हैं, जिससे एक मेलजोल बढ़ता है और जिससे कॉन्फिडेंस देने का जो बात रहता है पुलिस कंपनी को, तो कॉन्फिडेंस पे हमारे तरफ से दिया जाता है, इसलिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो इस साल भी ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है नया नगर पुलिस स्टेशन और यहाँ जो रोजा इफ्तार में सम्मिलित हुए उन सबका मैं ये डिपार्टमेंट की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। सब में जो कॉपरेट करते हैं हर बार उनको बताए, पीछे कुछ वारदातें हुई थी हमारे शहर में, तो वारदातों पर भी उन्होंने काफ़ी कॉपरेट किया था और हमारा अनुभव यही है कि 99.99% लोगों को चाची ही बनाया जाता है, चाची ही चाहती है, क्योंकि हर एक को अपना पेट है, हर एक को अपना बिजनेस है, हर एक को अपना धंधा है। 99.99% लोगों को तो हमारे वो शांति ही चाहिए रहती है, वो 0.1% लोग रहते हैं जिनको कुछ ना कुछ चीज़ें लेके प्राप्त करने की आदत रहती है और वाटर धारण करने की आदत रहती है। तो हम पूरे गवर्नमेंट की तरफ से हम स्वस्थ करते हैं कि 0.1% लोगों का कवर लेने का काम हमारा है और हम उनको अच्छे से हैंडल करेंगे। कोई अगर हम तक छोटा भी है तो देखा हुआ पीछे भी जो भी हुआ था अच्छे से। हम आज आए हैं मुसलमान भाई हमारे उनका इफ्तार का प्रोग्राम है, नया नगर पुलिस स्टेशन और बाकी सब पुलिस के बड़े ऑफिसर यहाँ पहुँचे हैं, हमको आमंत्रण दिया गया है। हम लोग भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप सब धर्मों को मिला के पुलिस हमारी सपोर्ट करती है, उसके लिए हम आपका हौसला अफजाई भी करती हैं। ये जो पिछले दिन ही पुलिस नया नगर में जो गंगा तरफ की एक साध हुआ, हम उसकी भी निंदा करते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो अपने लोड के लिए ये दंगे फैलाते हैं, हम उनकी निखेती करते हैं और हम लोग हमको उम्मीद करते हैं पुलिस ऑफिसर अभी बोल के गए आपको कि पुलिस वाले ने कंट्रोल करते हैं और हम लोग आपके साथ हैं। हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, सब जात पात इंसानियत एक है। हमने जात पात कर लिया अलग बात है, लेकिन जो हमारे सिखों का भी कुर्बानी आपको मालूम है, हम क्या कैसा काम करते हैं, कहीं भी कुछ दुकान घटना होती है तो हम लोग वहाँ जाके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, मेडिसिन का बंदोबस्त करते हैं, कोई भी ऐसा होता है तो हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग भी मुसलमान के समाज के साथ हैं हमेशा। कल वहाँ का मुजफ्फर जैन का इफ्तार था, वहाँ भी पहुँचे और हमको हर जगह निमंत्रण किया जाता है। बहुत खुशी होती है कि समाज हमारा रिस्पेक्ट करता है और हमको बुलाता है और हम आपके साथ हैं। आज यहाँ पर एक दावत इफ्तार का कार्यक्रम लगा रहा था, पुलिस की जानिब से क्या कहेंगे इसके हिसाब से? मुझे बहुत खुशी हुई कि मीरा भाईंदर पुलिस की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सारी कम्युनिटी के भाईचारे के लिए और आज हिंदुस्तान के लिए ये सबसे अहम तरीन ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं अपने स्वार्थ और अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हमारी पुलिस हमेशा सतर्क रहती है और कोई भी ऐसा बिगाड़ देखती है तो उस पर कंट्रोल करती है। हमको पुलिस पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो कंट्रोल करते हैं और आइंदा भी कंट्रोल करते रहेंगे। और हमारा ये मानना है कि पुलिस नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई बिगाड़ नहीं हो सकती है, कोई अमन अमान खराब नहीं कर सकता है।
महाराज आप अपना नाम बताइए और आज आप कहाँ पर आए हैं और किस लिए आए हैं। मेरा नाम है विनोद कांति भाई राजेगुरु। आज जो हमारे मीरा भाईंदर शहर न्यायनगर पुलिस वाले या तो जो हमारे जो मीरा भाईंदर की पुलिस है उनके द्वारा जो आयोजित उत्तर पार्टी में आज मैं यहाँ पर आया हूँ और यह जो है पुलिस वाले की तरफ से जो एक बढ़िया सा एक मैसेज है कि जो किसी भी प्रकार से किसी भी समय के अनुसार किसी भी कार्यक्रम के अनुसार अगर मीरा भाईंदर के अंदर जो भी कुछ कारणों की वजह से पीछे जो भी कुछ हुआ लेकिन इससे आज के समय से काफ़ी बदलाव इस प्रकार से आया कि अगर पुलिस चाहे तो हर एक चीज़ जो है वो सुधार करके आगे वापस लेके जा सके। उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ कि एक जो प्रकार से मीरा भाईंदर शहर का जो नाम है इतना आगे आया था अच्छे कार्यों की वजह से, समझिए हमारे सब जगह पर अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो लेकिन सब एकजुट से रहते थे तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम को लेकर के बीच में जो एक फूट पाड़ने की कोशिश हुई जो भी हुआ लेकिन आज उस प्रकार से पुलिस ने उस चीज़ को संभाला कि वापस आज जो है मीरा भाईंदर का एक नाम खराब होने के उसमें था वो वापस इस प्रकार से सुधर गया कि किसी भी प्रकार से इसमें शहर के नाम के ऊपर कोई दाग नहीं आया। और ये जो जनरल पब्लिक है जो यहाँ पर जो रहती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि अगर नाम शहर का ख़राब होता है तो जो सामान्य लोग जो एक अपना उद्योग करके बिजनेस करके छोटे व्यापार से लेकर के बड़े व्यापार तक में जो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ भुगतनी पड़ती है और वो चीज़ नाम अगर शहर का ख़राब होता है तो वो ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। लेकिन उसमें जो पुलिस वाले ने सहायता की और जो सब कुछ संभाला और वापस जो हर साल की तरह अपने जैसे सारे प्रोग्राम हो रहे हैं ऐसे ही होते रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है चाहे हमारे भगवान हो चाहे जो हमारे ऊपर वाले यही प्रार्थना कि ऐसे ही सब अमन शांति से रहे और सामान्य लोगों से लेकर के बड़े लोगों तक भगवान सबका ख्याल रखते रहे। और इसी के साथ में जो हमारे मुस्लिम भाई उन सभी को भी उत्तर पार्टी के और रजा की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।